बिग ऑयल इज वंडरिंग वेदर टू ड्रिल फॉर ऑयल इन एक्स कंट्री। बिग ऑयल एक बिग ऑयल कंपनी होगी, तो वो ऑयल के लिए ड्रिलिंग करना चाहती है कोई कंट्री में, एक्स कंट्री करके नाम दिया हुआ है। द प्रोस्पेक्ट्स आर एज फॉलोज। अच्छा ठीक है, टेबल देखेंगे। डेप्थ ऑफ वेल 2000 फिट, 4000 फिट, 6000 फिट। टोटल कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी 2000 फिट तक ड्रिलिंग अगर करूं मैं कंपनी तो 4 मिलियन डॉलर की कॉस्ट लगेगी। 4000 फिट तक टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 मिलियन, यानी कि सिर्फ 1 लाख, 1 मिलियन एक्स्ट्रा है टोटल कॉस्ट है ना ये 5 मिलियन। तो 4000 फिट तक अगर आप ड्रिलिंग करोगे तो टोटल कॉस्ट 5, 2000 तक थी कितनी 4, तो जो अगला 2000 था 2 से 4 के बीच का उसमें सिर्फ 1 मिलियन कॉस्ट लगी है। ऐसे ही 6000 तक आपको 6 मिलियन लग जाएगी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑयल इज 0.5, 0.6 एंड 0.7। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑयल अगर मिला तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इज 10, 9, 8। ये आपकी इनकम हो गई कि अगर ऑयल मिला तो आप मार्केट में ले जाके बेचोगे, तो उन सारे एनुअल कैश इन्फ्लूज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 10, 9 और 8। तो जो सेकंड कॉलम है आपको टोटल कॉस्ट का, उसमें आउटफ्लो दिया हुआ है प्रेजेंट, और लास्ट वाला कॉलम उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में इनफ्लो दिया हुआ है। तो 10 माइनस 4 करोगे तो 6 NPV आती है, 9 माइनस 5 करोगे तो 4 NPV आती है, 8 माइनस 6 करोगे तो 2 NPV आती है। ड्रॉ अ डिसीजन ट्री शोइंग द सक्सेसिव ड्रिलिंग डिसीजंस टू बी मेड बाय बिग ऑयल। डिसीजन ट्री ड्रॉ करो ये बताते हुए कि ड्रिलिंग के डिसीजन लेना है बिग ऑयल ने। हाउ डीप शुड इट बी प्रिपेयर टू ड्रिल, यानी कब तक, यानी कितना कंपनी ने, बिग ऑयल ने तैयार रहना चाहिए ड्रिलिंग करने के लिए, कितने फिट तक की भी आप स्टार्टिंग में बता दो। 4000 फिट तक तो आपको ड्रिलिंग करना ही करना है कम से कम, 2000 फिट तक तो करना ही करना है, 6000 फिट तक तो करना ही करना है। कितना 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 ड्रिल करने के लिए कंपनी ने तैयार रहना चाहिए? सो इस क्वेश्चन में बिग ऑयल लिमिटेड एक कंपनी है जो ड्रिलिंग करना चाहती है, ठीक है, और हमको 3 ऐसी सिचुएशन दी हुई है कि 2000 फिट तक ड्रिल किया तो क्या, 4000 फिट तक ड्रिल किया तो क्या होगा, और 6000 फिट तक ड्रिल किया तो क्या होगा। और हमको आखिरी में पूछा गया है कि डिसीजन लेना है कि कब तक, कहाँ तक ये कंपनी ने ड्रिलिंग करने के लिए रेडी रहना चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह से इसका आंसर निकाला जा सकता है। पहले हम डिसीजन ट्री बना लेंगे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, काफ़ी ईजी, ये यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ें रहेगी कि डू नॉट ड्रिल, मतलब ड्रिल करो ही मत, ड्रिल करेंगे नहीं तो कुछ भी खर्चा लगना नहीं है हमारा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि पहला हम ड्रिल कर सकते हैं अप टू 2000 फिट तक। अगर हमने ड्रिलिंग की अप टू 2000 फिट तक, तो दो चीज़ें होगी। अब वो दो चीज़ें क्या है? अगर हमने 2000 फीट तक ड्रिलिंग की तो क्या होगा? ऑयल फाउंड, ऑयल नॉट फाउंड, या तो ऑयल मिलेगा या तो ऑयल नहीं मिलेगा। अच्छा, ऑयल मिला तो क्या होगा मालूम है? आप कि प्रेजेंट वैल्यू जो है कैश इन्फ्लोज की, फिर आप क्या करोगे कि भाई उससे ऑयल निकालोगे और बेचना शुरू कर दोगे, तो आपको कितनी कैश इन्फ्लो होगी? 10। पैसा कितना लगा आपका यहाँ पे? 4 मिलियन की टोटल कॉस्ट, तो आपकी एनपीवी कितनी हो गई? 6 की, ठीक है। ये 4 तो यहाँ पर ही लग चुका है, ठीक है। तो 10 की कैश इन्फ्लो, 4 का टोटल कॉस्ट लगा, तो 6 की आपकी एनपीवी आ गई। अगर ऑयल नहीं मिला तो अब, मतलब 2000 फिट तक ड्रिलिंग की, कोई ऑयल नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में एक डिसीजन रहेगा कि दो चीज़ों में से एक, ठीक है, कि आप एक काम करो यार, 2000 फिट तक नहीं मिलाना तो एक ऑप्शन है, चलो आगे और ड्रिलिंग नहीं करते, डू नॉट ड्रिल, या फिर ड्रिल अप टू 4000 फिट। आप और आगे चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, 2000 तक नहीं मिला और डीप में जाओ शायद ऑयल मिल जाएगा। दो ऑप्शन है, 2000 फिट तक है, चलो मान लो आप ऊपर से आके 2000 फिट नीचे आप खड़े हो, अभी ऑयल कोई मिला नहीं, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो वापस ऊपर चले जाओ, घर चले जाओ, या तो नीचे। लेकिन अगर आप घर चले गए तो आपकी इतनी ड्रिलिंग जितने आपने की वो कॉस्ट लग चुकी है, और वो नुकसान है पूरा का पूरा 4 मिलियन का नुकसान, ठीक है, -4।
डॉलर्स का, लेकिन अगर आप और ड्रिलिंग करोगे तो आपको थोड़ी कॉस्ट और इनकर करनी पड़ेगी, टोटल में 5, मतलब 1 मिलियन की कॉस्ट और इनकर करनी पड़ेगी। अच्छा, ड्रिल अप टू 4,000 फिट बोला है, अगर आपने मान लो और 2,000 फिट तक ड्रिलिंग किया तो दो चीज़ें होगी, या तो ऑयल मिलेगा या तो ऑयल नहीं मिलेगा, फाउंड ऑयल नॉट फाउंड। ठीक है, ऑयल मिला तो क्या होगा, फिर से आप ऑयल निकाल के बेचना शुरू कर दोगे और उसमें से पैसे कमाओगे, तो कितना पैसा आएगा आपके पास में, 9 मिलियन आएगा, और अब तक कॉस्ट कितनी लग चुकी है, 5, तो आपकी एनपीवी कितनी हो जाएगी, 4 मिलियन, 1 मिलियन की और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी ना। चलो ठीक है, ऑयल नहीं मिला तो आपके पास में फिर से दो ऑप्शन है, डू नॉट ड्रिल, आप वापस ऊपर चले जाओ, घर चले जाओ, तो आपकी 5 मिलियन की टोटल कॉस्ट लग चुकी है, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, 1 ही मिलियन एक्स्ट्रा लगा था। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आपके पास में और एक ऑप्शन है, ड्रिल अप टू 6,000 फिट, 6,000 फिट तक ड्रिलिंग कर लो, आप एक काम करो और 2,000 फिट अंदर चले जाओ तो कॉस्ट और थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप अंदर चले गए तो अब दो चीज़ें होगी आपके साथ में, या तो ऑयल नहीं मिलेगा या तो ऑयल मिल जाएगा। अच्छा, ऑयल मिला तो क्या होगा, 8 मिलियन माइनस 6 तो 2 की एनपीवी, नहीं मिला तो -6, हो गया ख़त्म, नुकसान। अब और ड्रिलिंग नहीं करोगे भाई, 6,000 फिट तक नीचे आ चुके हो, है ना, है ना, और ज़्यादा ड्रिलिंग करोगे तो धरती के दूसरी तरफ से निकलोगे, तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ से वापस ऊपर चले जाओगे, 6 मिलियन की कॉस्ट लग चुकी है, कहानी ख़त्म। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि आपने कब तक रेडी रहना चाहिए, किस हद तक रेडी रहना चाहिए ड्रिलिंग करने के लिए। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, कि कहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लोज आती है। नाउ सी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज दी हुई है कि इन सब के होने के चांसेस कितने। ठीक है, दो चीज़ें होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, हम ये वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले मैं लेता हूँ, मान लो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन सेट के, ताकि समझ में आ जाएगा। मान लो आपने एग्ज़ाम दी यहाँ पे, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दी, तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप पास हो जाओगे या तो आप फेल हो जाओगे। पास होने के चांसेस कितने हैं, 50%, फेल होने के चांसेस मान लो 50%। ठीक है, अब पास हो गए तो फिर दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको रैंक आ जाएगा या तो कोई रैंक नहीं आएगा। अच्छा, रैंक आने के चांसेस कितने हैं, 10%, और नहीं आने के चांसेस कितने हैं, 90%। ठीक है, तो अब, अच्छा ठीक है, अब मैं ये पूछता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही रहती है, ओके। अगर मैं पूछूँ आपको रैंक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आप बोलोगे यार 10% है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पास होके रैंक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आप क्या बोलोगे, यार पास होने के 50, रैंक होने के 10, तो टोटल में 5 ही% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा रैंक आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, पहले वाली भी प्रोबेबिलिटी रैंक की थी, दूसरी वाली भी प्रोबेबिलिटी रैंक की ही है। पहली वाली प्रोबेबिलिटी इज द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी को आप बोलते हो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब शुरुआत से सब कुछ अच्छा होता आ रहा है, पास भी होने की प्रोबेबिलिटी उसमें इंक्लूडेड है, रैंक भी आने की प्रोबेबिलिटी उसमें इंक्लूडेड है। जब मैं सिर्फ रैंक की बात कर रहा था तब 10 ही%, आप बोल रहे थे सिर्फ 10 ही% चांसेस है कि मेरा रैंक आएगा, मतलब ये डीम्ड था कि आप पास हो जाओगे। नहीं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से यहां से रैंक आने की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो वो सिर्फ 5 ही% है आपके। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है 0.5, 0.5 स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो क्यूमुलेटिव भी वही और इंडिविजुअल भी वही होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आप बोलोगे 50%, मैं बोलूंगा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बताओ पास होने की, तो 50, क्यूमुलेटिव तो 50, क्योंकि ये तो शुरुआत हुई है अभी अभी, इसमें और एडिशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, आगे जाके आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए क्यूमुलेटिव और इंडिविजुअल सेम होती है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये तो 5% हुआ था, है ना, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इज 5%, 5% कहीं पे यहाँ पे दिख रही है आपको डिसीजन ट्री में, कहीं ये ट्री में 5% दिख रहा है ना, तो ये जो क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज दी हुई है वो यहाँ डाल सकते हो आप ना, आपको यहाँ क्या चाहिए, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, ये 10%, ये 10% इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे डालने के लिए इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देखो, आपने ड्रिलिंग शुरू की, ये 2,000 फिट, ये 4,000 फिट,
ठीक है, और ये 6000 फिट, आपने 6000 फिट तक ड्रिलिंग मतलब ये पूरा अपना ड्रिलिंग है मान लो, ठीक है, अंदर जाना। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ ये है ऑयल नॉट फाउंड और ये फाउंड वाली प्रोबेबिलिटीज। इसमें भी हम दो चीज़ें कर देंगे, इंडिविजुअल और क्यूमुलेटिव, सेम इंडिविजुअल और क्यूमुलेटिव। अच्छा, स्टार्टिंग के लिए तो दोनों सेम ही रहेगी, ये 0.5, ये 0.5, क्यूमुलेटिव 0.5, क्यूमुलेटिव 0.5। ध्यान दो, ये जो दोनों मतलब बाहर वाली प्रोबेबिलिटीज है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, निकालना हमको अंदर वाली प्रोबेबिलिटीज है। नाउ सेकंड प्रोबेबिलिटी जो आपको दी हुई है वो है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑयल, दैट इज 0.6। तो आपको जो दिया हुआ है ना वो ये है, दिस इज 0.6 और फिर दिस इज 0.7, ठीक है, बस इतनी डिटेल आपको दी हुई है। आपको निकालना क्या क्या है ये ध्यान में दो, आपको निकालना है ये चार और प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने किया था ना यहाँ पे, ये देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, आपको एक प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल पता है तो क्या दूसरी निकल सकती है, हाँ निकल सकती है ना। आप 0.05 और 0.50 उधर लेके जाओ तो आपको 0.10 आंसर आ ही जाएगा, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये वाली ये कहाँ से आएगी, ये मान लो ये है एक्स, तो 0.5 इंटू एक्स शुड बी 0.6 ना, जैसे मैंने बोला 0.5 इंटू 0.10 शुड बी 0.05, ये रहा 0.05, यहीं पे आई थी ना 0.05, 0.5 इंटू 10 शुड बी 0.05, 0.5 इंटू एक्स शुड बी 0.6, है ना। तो करके देखो, मैं यहाँ पे रफ में करके देखता हूँ, 0.5 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0.6, एक्स इज इक्वल टू 1.2 शायद, 1.5, 0.67, 1.5, 1.2 रे सॉरी। अब एक चीज बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा हो सकती है, नहीं गलत, प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये आंसर सही है, नहीं गलत। तो गलत क्या किया, फॉर्मूला तो सही था, हाँ फॉर्मूला सही था, कुछ तो गलत हुआ, मैं बताता हूँ क्या, ध्यान दो इंटरप्रिटेशन। ये पास होकर रैंक आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी देखो फाइंडिंग ऑयल की है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.6 का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। अच्छा, ये 0.5 का मतलब देख लो पहले, कि 2000 फिट तक ड्रिलिंग करने पे ऑयल मिलेगा, इसके चांसेस 50% है। इधर वाले 0.5 की बात सुन लो, 2000 फिट तक ड्रिलिंग करने के बाद भी ऑयल नहीं मिलेगा इस 50%। अब ये 0.6 देखो कैसे इंटरप्रिटेशन, अब आएगी कहानी में ट्विस्ट, ठीक है, 0.6 का मतलब क्या होता है तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 0.6 इज द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, पास भी होऊंगा, रैंक भी आएगा, 2000 फिट पे ऑयल भी मिलेगा, 4000 फिट पे भी ऑयल मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर मैंने ड्रिलिंग किया तो मुझे 2000 फिट पे भी ऑयल मिलेगा, 4000 फिट पे भी ऑयल मिलेगा, इसके चांसेस 60% है। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई मैंने अगर समुंदर में गोता लगाया तो 2000 फिट तक जाने के बाद मैं गीला हो जाऊंगा, और 4000 फिट तक गया ना नीचे तो भी गीला हो जाऊंगा। अरे भाई, अगर 2000 फिट तक ऑयल मिल चुका है तो नीचे तो ऑयल होगा ही ना, अरे समझ में। सो दिस इज समथिंग रॉन्ग, यू शुड नॉट इंटरप्रेट इट लाइक दिस, सो लीव दैट फाउंडिंग वाली प्रोबेबिलिटी, जस्ट कम ओवर टू द नॉट फाइंडिंग। क्या ये सही लगता, क्या 2000 फिट तक ड्रिलिंग किया तो भी ऑयल नहीं मिला, 4000 फिट तक ड्रिलिंग किया तो भी ऑयल नहीं मिला, तो दोनों जगह ऑयल नहीं मिलने की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, हाँ दिस साउंड्स गुड, ये पॉसिबल है कि 2000 तक नहीं मिला तो 4000 तक भी शायद ना मिले, अगर 2000 तक मिल गया तो ये तो डीम्ड है कि 4000 तक मिलना ही है, तो ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 2000 तक भी ऑयल मिला, फिर मैं और नीचे गया तो और ऑयल मिला, वो तो डीम्ड ही था। सो दिस इज वॉट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, डोंट इंटरप्रिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइंडिंग ऑयल, जस्ट सॉल्व द कैलकुलेशन एंड फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इफ द ऑयल इज नॉट फाउंड। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट, नाउ आई एम अज्यूमिंग दिस एज एक्स, तो 0.5 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू दिस, और ये कितना है,
अगर इधर की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो इधर की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.4। इधर की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो इधर की कितनी? 0.3। तो 0.5 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0.4 ना। मैं यहां निकाल लेता हूं, 0.5 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0.4, सो देयर फॉर एक्स इज नथिंग बट कितना, 80%। 80%, सो दिस विल बी 80। और अगर ये 80 है तो ये कितना? 20। और ये है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, ऑयल नहीं मिलने के चांसेस इज 80%। कहाँ गया ये? मिलने के चांसेस इज ओनली 20%। अब आगे आते हैं, ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं वाई। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? 0.5 इंटू 0.8 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 0.3। सो वाई इज इक्वल टू 0.3 बाय 0.4, दैट्स 75। यानी ये होगा 0.75, तो ये कितना हो जाएगा? 0.25। एंड नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी 0.75 और 0.25, तो 0.75, 0.25। बस ये चार प्रोबेबिलिटीज चाहिए थी, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे निकालना है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हमको अब इस क्वेश्चन को, सॉरी, हम देखेंगे कि किस तरह से अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो जस्ट नोट, डू वन थिंग, नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड देन मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड बाय बाय टिल दैट टाइम। तो ध्यान दो, तो ध्यान दीजिए हम कैसे कैलकुलेशन करने वाले। पहले हम हमारे पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे पहला और मेन डिसीजन तो यहीं का है आपका D1, ठीक है। दूसरा डिसीजन होगा D2 और तीसरा डिसीजन है आपका D3। क्या डिसीजन क्या है? D1 पे डिसीजन लेना है कि क्या ड्रिल करना है, नहीं है या करना है। D2 पे भी आगे करना है या नहीं करना है। D3 पे भी आगे करना है या नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कब तक ड्रिलिंग करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो वही पॉइंट्स हमारे डिसीजन पॉइंट बनेंगे जहाँ पे ड्रिलिंग करना या नहीं करने वाले डिसीजन आएंगे, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे पीछे से, क्योंकि अगर यहाँ से शुरुआत करते तो ये वाली फिगर हमारे पास में है नहीं। जीरो तो है, ये नहीं है, और ये आगे पे डिपेंड करती है। वैसे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये आगे पे डिपेंड करता है। फाइनली अगर हम D3 लेंगे पहले, तो D3 में इतना सर्कल आएगा आपका, इतना दिख रहा है। सिर्फ D3 के आगे वाली जितनी भी डायग्राम है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद वो डायग्राम हटा के D2 से आगे वाली डायग्राम कवर करेंगे और फिर D1 से आगे वाली डायग्राम कवर करेंगे। तो तकरीबन तकरीबन तीन हिस्सों में सारे कैलकुलेशंस आपके डिवाइड हो जाएंगे। देखो कैसे, बस मैं ये D1 वाले कैलकुलेशन है, ठीक है। ये D2 और लास्ट में हम करेंगे D3 वाले कैलकुलेशंस, और जिसको हम सबसे पहले लेने वाले हैं ये D3 वाले कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम धीरे 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 इतनी पूरी डायग्राम कवर कर लेंगे, लेकिन पूरी डायग्राम कवर करने के लिए तीन अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक डिसीजन एट D3, डिसीजन लेते हैं एट D3। देखो D3 पे एक्शन क्या लिया हमने पहले, उसके बाद में रिजल्ट क्या आया, एक्शन के बाद में रिजल्ट, रिजल्ट के बाद में आप बोल सकते हो NPV, उसकी प्रोबेबिलिटी, और NPV इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्शन ले सकते हो कि आपको ड्रिल करना है अप टू 6000 फिट। तो दो चीजें होगी, ऑयल फाउंड और नॉट फाउंड, बस इसके अलावा और क्या हो सकता है। और दूसरा आप डिसीजन ले सकते हो कि डू नॉट ड्रिल, ठीक है। अच्छा, आपने अगर डिसीजन लिया कि ड्रिलिंग करना है, ध्यान दो ये ड्रिलिंग करना है और ऑयल मिल गया, तो NPV कितनी? 2 है ना, तो ये 2 की NPV और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.25। यहाँ NPV कितनी है ऑयल नॉट फाउंड की? -6 और 0.75 उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 0.25 आएगा 0.5 और 6 इंटू 0.75 आएगा कुछ 4.5 नेगेटिव,
ठीक है, और ये आया -4। अच्छा लेकिन अगर आपने डिसीजन लिया, -4 क्या है, अगर आपने डिसीजन लिया कि ड्रिल करना है तो उसकी एनपीवी कितनी, -4। अगर आपने डिसीजन लिया डू नॉट ड्रिल, तो ये तो दिख ही रहा है आपको, डू नॉट ड्रिल -5, डू नॉट ड्रिल -5, तो ये रहा -5। नाउ व्हाट यू विल डू, यार देखो आपके पास में ना सिर्फ दो ही चीज है D3 पे, या तो आप आगे ड्रिल कर लो या तो मत करो। नहीं किया तो -$5 मिलियन की एनपीवी, किया तो -$4 मिलियन की एनपीवी, दोनों जगह निगेटिव है, दोनों में से एक चीज चूज करना, तो क्या चूज करोगे, -4। ठीक है, सो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी जो एनपीवी है ना वो है -4। ये आ जाएगी -4, ठीक है, इन दोनों से जो आई है यहाँ पे। अब आपके पास में डिसीजन है, या तो आप -5 चूज कर लो या तो -4 चूज कर लो, तो आप क्या करोगे, D3 पे आप चूज करोगे, क्योंकि आपके पास में चॉइस है, ड्रिल करना तो -4, नहीं करना तो -5। ऐसा 1% भी चांस नहीं है कि आप -5 वाली सिचुएशन चूज करोगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता मेरा नुकसान ज्यादा हो। तो यहाँ पे D3 पे हमेशा हमेशा और हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी, -4, क्योंकि आप हमेशा हमेशा और हमेशा ड्रिलिंग करना ही प्रेफर करेंगे, कभी इधर जाएंगे ही नहीं तो -5 कभी आएगी ही नहीं। सो इन दोनों में से अगर कोई वैल्यू D3 पे आनी है तो कौन सी वैल्यू आएगी, -4 वाली वैल्यू आएगी। दिस इज व्हाट द डिसीजन इज, ठीक है। अब इसके नीचे हमने कुछ लिखना है, वो मैं इधर लिख लेता हूँ, कंपनी शुड ड्रिल अप टू 6,000 फिट एज द लॉस इज लेस इन दैट केस। कूल, अब एक स्टेप पीछे आते हैं D2 पे। अब D3 वाला जो पार्ट है ना डायग्राम वाला, वो पूरा भूल जाना, सिर्फ D3 तक, ये जो सेकंड वाली डायग्राम है सिर्फ उतनी ही काम की है, हमको सिर्फ -4 चाहिए था D2 के कैलकुलेशन में। तो अब मैं यहां पे ले लेता हूं एट D2, एक्शन क्या लेंगे, रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद में एनपीवी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब एक्शन देखो क्या लेंगे हम, या तो हम ड्रिल करेंगे 4,000 फिट तक, या तो हम डू नॉट ड्रिल चूज करेंगे। अगर हमने डू नॉट ड्रिल चूज किया तो एनपीवी तो फिक्स है -4, ये दिख रहा है डू नॉट ड्रिल -4। लेकिन अगर आपने ड्रिल किया 4,000 फिट तक, तो क्या होगा, ऑयल मिलेगा, ऑयल नहीं मिलेगा। अगर ऑयल मिला तो एनपीवी कितनी, 4। नहीं मिला, ध्यान दो, अब देखो, अगर ड्रिल किया और ऑयल नहीं मिला तो एनपीवी आ रही है -4। ये कहाँ से आई, D3 वाले डिसीजन से आई, -4, और इसके चांसेस आपको 20 और 80 दिया हुआ है, तो ये हो गया 0.80, और ये हो गया -3.2, तो ये आएगा -2.4। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या डिसीजन ले लोगे, कंपनी शुड ड्रिल अप टू 4,000 फिट एज द लॉस इज लेस इन दैट केस, क्योंकि -4 तो आप चूज नहीं करोगे। ये देखो आप D2 पे हो, ठीक है, ये तो आपको कंफर्म हो गया, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, -2.4। अब आपको दोनों में से एक चीज अगर यहाँ पे D2 पे लानी है तो आप कौन सी लाओगे, -2.4 या -4, आप ऑब्वियसली चूज करोगे -2.4, है ना। तो इन दोनों में से अगर एक चीज लानी है तो इट विल बी ऑलवेज -2.4। अब आते हैं D1 पे, अब वो कहानी खत्म उधर की, धीरे धीरे हम पीछे आते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है। एट D1 ये है आपका फाइनल डिसीजन, ठीक है, अगेन द सेम थिंग, एक्शन ले लो, रिजल्ट ले लो,
एनपीवी ले लो, क्या सॉरी प्रोबेबिलिटी ले लो, और प्रोबेबिलिटी इनटू एनपीवी ले लो। सेम चीज, ड्रिल अप टू 2000 फिट, तो दो चीजें होगी, ऑयल फाउंड और नॉट फाउंड। दूसरा अगर है तो वो है डू नॉट ड्रिल, बस। अच्छा, अगर आप डू नॉट ड्रिल है तो आपकी कुछ भी पैसा जा नहीं रहा। अगर ऑयल मिला तो आपको 6 मिलियन की 6 मिलियन का प्रॉफिट, नहीं मिला तो -2.4 का। प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई है 0.5 और 0.5, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका -1.2, तो टोटल में कितना आता है 1.8। तो आपको चूज करना है, क्या ड्रिल करके 1.8 पाना पसंद करेंगे? 1.8। अब आपके पास में अगेन दो ऑप्शन है, ठीक है, 1.8 चूज कर लो या 0 चूज कर लो, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर 1.8। सो द थिंग इज, पॉजिटिव एनपीवी कब तक आ रही है? सिर्फ 2000 फिट तक ड्रिलिंग करने की, आगे तो देखा जाएगा, ऑयल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो कंपनी, एटलीस्ट कंपनी ने रेडी रहना चाहिए कि भाई 2000 फिट तक तो ड्रिलिंग करो, ठीक है। सो दस कंपनी शुड बी रेडी टू ड्रिल अप टू 2000 फिट एज द एनपीवी इज पॉजिटिव। हाँ, अगर आपके एनपीवी 2000 पे भी पॉजिटिव आती, 4000 पे भी पॉजिटिव आती, तो हम आंसर करते कि 4000 तक रेडी रहना चाहिए, क्योंकि तब तक एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। 6000 तक पॉजिटिव आती तो 6000 तक रेडी रहना चाहिए ड्रिल करने के लिए। सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। फाइनली आंसर इतना ही निकला है कि सिर्फ 2000 फिट तक ड्रिलिंग करने के लिए रेडी रहो, आगे का आगे देखा जाएगा। सो दिस इज व्हाट द एंटायर प्रेजेंटेशन शुड बी, एंड ऑब्वियसली नोट डाउन दिस आंसर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, सो फील फ्री टू आस्क मी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड टिल दैट टाइम इट्स बाय बाय फ्रॉम मी।